बांग्लादेश में तख्तापलट से भागलपुर के सिल्क कारोबार पर बुरा असर पड़ा है। आपको बता दें कि यहाँ का कपड़ा व्यवसाय देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मशहूर है, लेकिन बांग्लादेश में हो रहे इन प्रदर्शनों के कारण यह व्यापार ठप पड़ गया है और यहाँ के बुनकरों की रोजी रोटी पर संकट छा गया है। लोकल 18 की टीम ने नाथनगर के बुनकर क्षेत्र में कपड़े के कारोबारी उवैद उल्लाह अंसारी से बात की। उनका गोदाम कपड़ों से भरा पड़ा था। उवैद उल्लाह अंसारी ने बताया कि जहाँ से ऑर्डर मिला था वहाँ से ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया है। यहाँ से बांग्लादेश में करीब 5 करोड़ का माल भेजा जा चुका था जो वहाँ फंसा हुआ है। इतना ही नहीं, अभी यहाँ पर पूरे क्षेत्र में करीब 3 से 5 करोड़ का माल बनाकर रखा हुआ है। बांग्लादेश में हिंसा छिड़ी हुई, आरक्षण के विरोध में सभी प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में भागलपुर के सिल्क व्यापार पर असर पड़ा है। असर तो ऐसा पड़ा है कि यहाँ पे जितना भी माल जाता था भागलपुर का सिल्क का आइटम जाता था, उसमें बहुत सारा चीज है, तसर है, मुंगिया है, कटिया है, तो वो सारा माल यहाँ पे रुक चुका है। वो वहाँ पे जितना भी ऑर्डर था हम लोग का सब ऑर्डर पेंडिंग में डाल दिया कि नहीं अभी माल नहीं भेजना है, वो कंडीशन अच्छा नहीं है वहाँ पे, तो इस वजह से हम लोग का काम भी रुका हुआ। आगे कुछ काम नहीं कर सकते, जब तक पैसा आएगा नहीं काम नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ हम लोग को। यहाँ पे बहुत बहुत सबका गोडाउन अभी भरा पड़ा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे और भी बुनकर लोग हैं जो कि ये काम करते हैं वहाँ पे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब तरह से सप्लाई होता है। वो तो सही बात है कि बहुत ज्यादा वहाँ पे कंडीशन खराब हो चुकी है इस चीज़ को, और हम लोग तो यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द वहाँ पे कंडीशन अच्छा हो, जो भी हो गवर्नमेंट बने वहाँ पे और फिर से नॉर्मल बिजनेस स्टार्ट हो ट्रेडिंग। मेरा नाम हुआ राजीव। वहीं राजीव ने बताया यहाँ का कपड़ा बांग्लादेश में डिजाइन के लिए जाता है। यहाँ से लिनेन सिल्क, कटिया सिल्क, तसर मुंगा, कुर्ता, साड़ी समेत कई तरह के कपड़े डिजाइन के लिए भेजे जाते हैं। कढ़ाई प्रिंट, एम्ब्रॉयडरी समेत कई तरह के डिजाइन के लिए यहाँ का कपड़ा मशहूर है। बांग्लादेश में बड़ा हिंसा जो है वो अभी देखने को मिल रहा है, आरक्षण के विरोध में सभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, माहौल काफी खराब है। ऐसे में भागलपुर के बाजार पर भी असर पड़ा है, सिल्क कारोबारी पर क्या असर पड़ा और क्या कुछ हुआ है? देखिए, ये बांग्लादेश में जो अभी एक महीने से ये हो रहा है और अभी जो 4-5 दिन पहले हुआ है, तो भागलपुर को काफ़ी असर पड़ा है। यहाँ से आपका जो है तसर कटिया प्योर सिल्क में बहुत सारे आइटम जो जाते थे बांग्लादेश, और कॉटन, यहाँ से कॉटन का जो है ये कॉन्सेप्ट है, कुछ कपड़ा बना के भी देते थे जो कि हम लोग भी देते थे तो मार्फत में है कि इनडायरेक्ट में है, डायरेक्ट वे में नहीं है, तो हम लोगों को काफ़ी मोटा मोटी आप मान के चलिए कि लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपया पर मंथ बांग्लादेश भागलपुर जो है भेजता था, भागलपुर का कपड़ा वहाँ जाता था। तो इससे असर तो पड़ा ही है, काफ़ी असर पड़ा है, काफ़ी लोगों का पैसा फंस गया है। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये माल जो है रोक दिया कि नहीं अभी मत भेजना, ये तो अभी बंगला जाएगा नहीं, तो यहाँ पर काफ़ी कारीगरों का असर पड़ रहा है। और सब आइटम में बहुत सारे आइटम हैं जो कि जाते हैं, और बांग्लादेश तो हमको लगता है कि विभिन्न में काफ़ी तरक्की किया है, और हम लोग पहले तो यहाँ भागलपुर से ही लुंगी बांग्लादेश जाता था, अब जो है बांग्लादेश से लुंगी आती है यहाँ, और उस अब वहाँ पे कारीगरी इतना कढ़ाई और मशीन का बहुत ज़्यादा डेवलप किया है बांग्लादेश। क्या लगता है, क्या उम्मीद लग रही है अब आगे बाजार पर, क्या असर पड़ेगा, कब तक ये सब ठीक होने के लिए? ये जब तक बांग्लादेश पूरा सरकार नहीं बन जाता, स्थिर नहीं होता, तब तक तो कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि वहाँ जाके अपना पैसा ब्लॉक करे। काफ़ी लोगों का पैसा अभी तक ब्लॉक है वहाँ पर, कई करोड़ कम से कम 5 करोड़ का माल तो है ही मिनिमम, ये मेरी जो जानकारी में, बाकी और जो है आंकड़ा तो पूरा पता नहीं है, ज़्यादा ही हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। तो इससे काफ़ी असर पड़ा है कारीगरों पर, अभी जो काम तो ऐसे भी ठप पड़ गया है, काम है ही नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उबैदुल्ला अंसारी है, नाथनगर। यहाँ कितना माल फंसा होगा अभी बांग्लादेश का? यहाँ पे लगभग जो है हम कहते हैं कि 5 करोड़ तो मिनिमम होगा।
यहाँ पर भी फंसा हुआ, मतलब 10 करोड़ का सीधा नुकसान, 10 करोड़ का नुकसान है। भागलपुर के बुनकरों के लिए ये संकट की घड़ी है। क्या होगा उनके भविष्य का, क्या बांग्लादेश के हालात सुधरेंगे और यहाँ का कपड़ा फिर से बाजारों में छाएगा, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। लोकल 18 के लिए भागलपुर से सत्यम कुमार की रिपोर्ट।